कई बारी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में आपको मेंशन किया जाता है योग सैक नॉट सीन या विजुलाइज्ड। तो ये योग सैक क्या होता है कई बारी पेशेंट पूछते हैं, और इस योग सैक का प्रेगनेंसी में काम क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड है उसमें तीन चीज़ें इनिशियल स्टेज पर आपको दिखाई देनी जरूरी होती हैं, ये रूल आउट करने के लिए कि प्रेगनेंसी प्रॉपरली सही डायरेक्शन में ग्रो हो रही है। प्रेगनेंसी की जो पहली झलक हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है उसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं, फिर योग सैक दिखाई देता है, फिर फीटल पोल दिखाई देता है, एंड देन फाइनली हमें बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। जब हमें बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो प्रॉपरली ग्रो करेगी, क्योंकि उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन जेस्टेशनल सैक जब हमें दिखाई देता है तो जेस्टेशनल सैक के दिखने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हमें इसमें योग सैक दिखाई देता है। अब ये योग सैक क्या होता है, पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए। ये योग सैक बच्चे को हर प्रकार का न्यूट्रिटिव डाइट देने का काम करता है, मतलब बच्चा जो शुरुआती स्टेज में ग्रो होगा उसको कोई सोर्स चाहिए होता है खुद को डेवलप करने का। तो ये सोर्स बच्चे को योग सैक से मिलता है, क्योंकि प्लेसेंटा उस टाइम बना नहीं होता। प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में अपरा कहते हैं, जो कि गर्भनाल से जुड़ा होता है, सो शुरुआती स्टेज में योग सैक से ही बच्चे को हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। इस योग सैक का अगर हम लोग आकृति की बात करें तो ये गोलाकार दिखाई देती है। अब कई बारी पेशेंट पूछते हैं कि सर योग सैक का और मुर्गी के अंडे में जो एग योक होता है उसका कनेक्शन होता है क्या? सो सेम चीज़ होती है। जो मुर्गी का अंडा है अगर आप उसको फोड़ते हो उसके अंदर जो आपको येलो पार्ट दिखता है उसकी जो शेप होती है वो भी आपको गोलाकार दिखाई देती है, और जो जेस्टेशनल सैक में योग सैक है उसकी आकृति भी आपको गोलाकार ही दिखाई देती है। और दोनों कंडीशन में जो अंदर प्रेगनेंसी का मटेरियल है उसको ग्रो करने का ही काम करती हैं। ठीक है, सो जैसा मैंने आपको बताया कि जेस्टेशनल सैक जब दिखता है तो उसके 7 से 10 दिन के बाद आपको योग सैक दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको आपकी पीरियड की लास्ट डेट का पता ना हो, जिसे LMP डेट कहते हैं, या आपको भूल लग गई हो। नंबर 2, आपका जो ओवल्यूशन है, मतलब जो अंडा रिलीज हुआ है ओवरी से, वो लेट हुआ हो, जिसे डिलेड कंसेप्शन कहते हैं। या फिर अगर प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की खराबी होती है, मैकेनिकल फेलियर, या फिर जो मदर और फादर से बच्चे के लिए जो गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है 46 गुणसूत्रों का, उसमें अगर कोई खराबी है, जो पेयर्स बने हैं 46 ना होकर 45, 47, 48 हैं, तो प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करेगी। साथ ही प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सेल डिवीज़न होता है, जब फर्टिलाइज एग बनता है तो उसमें सेल डिवीज़न होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से फिर 32, फिर 64 बनते हैं सेल डिवीज़न, जो सेल हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की खराबी आती है तो योग सैक बनेगा नहीं, और अगर बन गया है तो वो अपने आप डीजनरेट हो जाता है, मतलब जेस्टेशनल सैक में ही वो घुल जाता है। तो जेस्टेशनल सैक आपको खाली दिखाई देगा, और अगर खाली दिखाई देगा तो आपको मेंशन किया जाएगा एम्प्टी जेस्टेशनल सैक या फिर जेस्टेशनल सैक सीन, बट योग सैक एंड फीटल पोल नॉट सीन। क्योंकि जब तक आपको योग सैक नहीं दिखाई देगा तब तक आपको प्रेगनेंसी की तीसरी झलक फीटल पोल नहीं दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।